सभी दोस्तों को नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। और ये सेट है पैनासोनिक के सेट में ये बोर्ड लगा हुआ है, तो इसमें टिकोन इनबिल्ड है इसी बोर्ड में, अलग से टिकोन नहीं है, टिकोन इस बोर्ड के अंदर इनबिल्ड है। तो इसमें ये 12 वोल्ट बन रहा था और यहाँ 3.3 वोल्ट बन रहा था, बाकी कोई सप्लाई नहीं बन रही थी इसमें। तो ये दो ट्रांजिस्टर मैंने चेक किया, ये दो ट्रांजिस्टर दोनों का नंबर है 1AM, ये दोनों ट्रांजिस्टर मुझे ख़राब मिला, जो कि मैं रखा हूँ। और ये जो DTH का कार्ड आता है वहाँ से, यहाँ से मैंने ये दोनों ट्रांजिस्टर उठा के और यहाँ लगा दिया, और लगाने के बाद ये सेट जो है ओके हो गया, वोल्टेज सभी बनने लगा। मैं चेक करके दिखाता हूँ, मोबाइल पकड़िएगा, मीटर आ रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, HVDD 7 वोल्ट, और ये ABDD 15 वोल्ट, BGH 26 वोल्ट, और ये 3.3 वोल्ट। और ये जो ट्रांजिस्टर जब ख़राब था तो यहाँ पे सप्लाई था 9 वोल्ट, अभी 7 वोल्ट आ रहा है। पहले जब ये ख़राब था तो 9 वोल्ट यहाँ आ रहा था, यहाँ भी 9 वोल्ट आ रहा था, अभी 7 वोल्ट है। तो ये ओके हो गया है। और इस IC का नंबर है TPS 65175। तो थैंक यू सभी, नमस्कार।